21 अक्टूबर 2024 स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम समय में इस चैनल को उन ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है जिनके लिए लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना ज्यादा शेयर किया, वीडियोज को लाइक किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। अभी आज हमारे चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा पहले भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे ये चैनल बढ़ता जाएगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे, मनाली में एक होटल है स्पैन रिजॉर्ट, काफ़ी अच्छा, तो वहाँ पे हम लोग आज का पूरा दिन बिताने वाले हैं। तो कैसा वो होटल है, कैसे वहाँ के रूम्स है, ये आज आपको वीडियो में दिखाएंगे। और अगर इस वीडियो को खूब सारा प्यार आपने दिया तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से बजट से लेके 3 स्टार 4 स्टार हर होटल के रूम कैसे हैं, कैसा स्टे है, क्या क्या उनके चार्जेस रहते हैं, तो वो भी करेंगे हम जगह के साथ साथ इंक्लूड। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्लेसेस तो हम लोग दिखाते हैं बट कई बार आप लोग होटल वगैरह का भी बोलते जाते हैं, तो खूब सारा प्यार आप यूं ही देते रहना और वीडियो देखिए तो दिखाते हैं कैसा ये होटल है और क्या क्या जो है मस्ती हम इस होटल के अंदर करने वाले हैं। तो जैसे ही आप लोग एंट्री करते हैं, एंट्री पे ये काफ़ी सारा पार्किंग स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और आसपास में यहाँ पे पेड़ इतने ज़्यादा हैं कि पक्षियों की आवाज़ें कंटिन्यू आपके कानों को मधुर मधुर संगीत देती रहती है। तो ये काफ़ी सारी पार्किंग है और इसके साइड में है फिर बहुत सारे कॉटेजेस और रूम्स, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे जो है गेम्स वगैरह है जो आप लोग प्ले कर सकते हैं। तो अभी सर जा रहे हैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलने, तो यहाँ पे ये कोर्ट है साइड में और माहौल है बहुत ही गजब का। तो ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे माहौल है और साइड में से बहती है नदी, काफ़ी खुले एरिया में ये सारा का सारा बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी थोड़ा सा टाइम जो है गेम्स हो जाए कुछ। तो ये हो गया टेनिस कोर्ट और उधर है इसके कॉमन ही बास्केटबॉल का कोर्ट बना रखा है और इसके साइड में है फिर बैडमिंटन। तो ये देखिए काफ़ी सारा एरिया में ये सब जो है बना हुआ है। और एक मिनट मैं अपना मुंह बंद करूं तो आप यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ें सुन पाएंगे। तो ये सुना भी आपने कितने प्यारे प्यारे पक्षी यहाँ पे चहचहा रहे हैं। जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक आप लोग कर सकते हैं, 700 मीटर के आसपास का है ये जो बना रखा है यहाँ पे। तो ये रूम्स है बहुत सुंदर सुंदर, यहाँ पे कुछ पेड़ है जिनको अभी कवर कर रखा है क्योंकि यहाँ पे फ्रूट होता है जिसको पक्षी बड़े चाव से खाते हैं, काफ़ी मीठा ये होता है। और अभी शाम होने को आई है तो यहाँ पर अभी मैच चालू हो चुका है, महेंद्र भैया वर्सेस अभिशार भाई। तो ये देखिए अभी तो ये देखो कुछ टाइम आप लोग जो है अपनी हेल्थ को भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो भाई चलो शर्त लगाना चालू करो तो बताओ भाई कमेंट में कौन जीतेगा वन इज टू वन भैया, ये डेली खेलता है भाई साहब। हाँ बिल्कुल, 20 साल बाद खेल रहा हूँ चल एक साथ साथ गेम का चलो वरीच। अगर मैंने एक पॉइंट भी बना लिया, बिल्कुल सर, सिर्फ एक पॉइंट बनाना है, अगर मैंने एक पॉइंट भी बना लिया, ये डेली खेलने जाता है 3 घंटे और मैं 20 साल में पहली बार उठा रहा हूँ, ठीक है ना जी? जी बिल्कुल, लवॉल चलो भाई स्टार्ट खत्म। ये लो भाई खत्म, कौन जीता? एक 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 पॉइंट लेना था, नहीं दर्शकों को लगेगा भाई कुछ हो रहा है। ये देखो, देख लो भाई सामने अभी की भाई चिड़िया यहाँ पे अटक चुकी है, देखो डेली खेलते हैं, नेशनल लेवल प्लेयर है, 3 घंटे डेली का गेम है इनका, 20 साल बाद एक दो बच्चों का बाप आया है खेलने, एक स्पिन जो है नहीं खेल पाया नेट पे, हवा चल रही थी भाई पैसे ला एक बंद बोल न खत्म
कूदने वाली बात हो गई। अभी भाई आपकी चिड़िया जाले में फंस चुकी है। ये देखो भाई अभी चिड़िया को निकालते हुए। इसलिए कहते हैं भाई बड़े बुजुर्गों से पंगा नहीं लेते। तो भैया ये है रूम्स जहाँ पे महेंद्र भाई रुके हुए हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर ये रूम्स है और यहाँ पे जो जो बेसिक एमेनिटीज़ है तो एलईडी काफ़ी बड़ी देख सकते हैं। उसके साथ में फिर यहाँ पे केटल रहती है, टी कॉफ़ी वगैरह सब आप लोग जो है बना सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी नेस्केफे, उसके बाद फिर ये आ गया नेस्ले एवरीडे का दूध वगैरह आ गया। तो ये बाकी गेस्ट का सामान हो गया। और यहाँ पे जैसे कल करवा चौथ था तो पूजा वगैरह यहाँ पे की थी तो ये वो सब सामान वगैरह आ गया इधर। तो पूजा वगैरह यहीं पे की थी और एयर कंडीशन्स रूम में लगे हुए हैं। और सबसे बेसिक जो चीज़ रहती है रूम्स आप देखते ही है लेकिन सबसे मेन आता है आपके दिमाग में वॉशरूम्स कैसे हैं। तो भाई थोड़े से गंदे ये मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड है। तो ये देखिए यहाँ पे ड्रायर लगा है और उसके अलावा फिर ये सारी टॉयलेटरीज होगी यहाँ पे। ये देखिए पेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह है यहाँ पे। फिर ये आगे और ये ब्रांडिंग होटल वालों ने अपनी कर रखी है, इस बंदे को भी खड़ा किया है ना ब्रांडिंग के लिए। तो ये हो गया फिर नहाने का कक्ष आपका। और फिर मिरर ये भी है और क्लोज से किसी को चाहिए तो ये आ गया फिर। तो इसके साथ एक और रूम अटैच है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ वो चेहरा जो भाई 3 घंटे कड़ी मेहनत डेली करके आते हैं और किन शख्स से हार जाते हैं जिन्होंने 20 साल से जो रिकॉर्ड नहीं उठाया। एक पॉइंट का वो बैट किसने लगाया था कि एक पॉइंट ही लेना है बस। लेकिन एक बार होता तो मानते दूसरी बार भी हार गया बंदा। हाँ दूसरी बार कैमरा ऑन नहीं था भाई और वो इसलिए कि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाता। फिर आप पता क्या ब्लेम करते कि इस छोटे से बच्चे को जो बच्चा 3 घंटे लगातार मेहनत करता है कि उसकी इंसल्ट करने के लिए आप ये वीडियो बना रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं था, पैसे पुसे तो नहीं खाए थे ना आपने, पक्की बात है। फिर जो बेइज्जती हुई है भाई वो सच में होनी थी। हवा ने जरूर पैसे खाए थे। नहीं तो, ये बहाने होते नहीं है भाई। तो देखिए बैडमिंटन जो खेल रहा है वो सर्विस कर रहा है और उसको हवा का अंदाजा नहीं है कि वो 4th लाइन के भी पीछे 6th लाइन पे सर्विस कर रहा है। इतना तो अंदाजा होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन आपके लिए मेरा प्यार इतना है मैं बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अभिशार भाई के लिए कुछ 2-4 अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर करो। ये बढ़िया था। और जो जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको स्पेशल गिफ्ट है हमारी तरफ से। हाँ ये भी ठीक अच्छा गिफ्ट होगा अभिसार के लिए। हाँ, वीडियो के लिए नहीं अभिसार के लिए। हाँ, स्पेशल गिफ्ट टाइम पर हमारी तरफ से होगा। उनको छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देंगे पक्की बात है। हाँ, बढ़िया तो अभिसार भाई मारो इस बंदे पे। ये गजब बेइज्जती इंडिया भर में होने वाली है। तो भाई अभी ये रूम थे, रूम आपको दिखा दिए और रूम के साथ साथ वो चेहरा दिखाया जो अभी बहुत पॉपुलर होने वाला है। और सर ने बोल दिया है अभी कि अच्छा सा गिफ्ट किसी को मिलने वाला है जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा। तो सर को जो है अभी सार की थोड़ी सी इज्जत करने के लिए प्राइवेट टाइम दे देते हैं और हम चलते हैं रूम से बाहर। तो रूम से बाहर क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए जैसे ही आप रूम से बाहर आते हैं तो वैसे यहाँ पे अभी अंधेरा है, अंधेरा ही रखते हैं। तो ये टेबल चेयर रखी है और इसके पास में फिर ये काफ़ी बड़ा है लॉन एरिया। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कुछ ये कॉटेजेस वगैरह ये देखिए। तो हर एक जितने भी लोग यहाँ पे रुकते हैं तो हर एक का अपना प्राइवेट एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे बैठ के वो टेबल चेयर पे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और अभी लाइट ज़्यादा ऑन नहीं करी क्योंकि हमारे बाकी साथी अभी मार्केट में गए हुए हैं
तो यहाँ से बिल्कुल सीधा जैसे ही आप बाहर निकलोगे रूम के, तो ये काफ़ी बड़ा जो है लोन एरिया है, और यहाँ से बहती है फिर ब्यास नदी, तो वो नदी भी आपको दिखाते हैं। तो अंधेरा है, लाइट ऑन इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि फील आना चाहिए भाई शाम का। और यहाँ पे ये देखिए जितने भी ये माउंटेन्स वगैरह है, कितनी सुंदर कितनी प्यारी ये लग रही है, और यहाँ से बहती हुई दिखती है बिल्कुल बगल से ब्यास नदी। तो ये देखिए ये ब्यास नदी यहाँ से बहती है, और लाइटिंग इमेजिन आप कर सकते हैं। अभी तो मतलब पूरी अंधेरा हुआ नहीं है, तो अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही है, बाद में लाइटें जमजमाती इतनी प्यारी लगेगी। और यहाँ साइड में सारा का सारा ये जंगल है, सारी की सारी माउंटेन रेंज है यहाँ पे ये सब। और यहाँ पे ये झूले वगैरह है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, कुछ जो है रेस्ट टेबल बोलते क्या बोलते भाई, मैंने तो यूज़ किया नहीं आज तक, आपको पता होगा शायद इसका, ये वुडन में जो है यहाँ पे बैठ के आप लोग जो है आराम फरमा सकते हैं ब्यास नदी के सहारे। तो हम चलते हैं अभी रूम के अंदर। तो भाई अभी अभी सार भाई जो है सदमे से बाहर आए नहीं थे, तो उनकी जो इज्जत बनी है आज सर से हारने के बाद, तो उसकी खुशी में यहाँ पे टी पार्टी हम लोग कर रहे हैं। और भाई अमीरों के साथ वैसे मज़े अलग ही है चाय पीने के। ये देखो मसाला टी ऑर्डर की है, और उसके साथ कितनी तरह की तो पता नहीं, ये जो है शुगर, देखो ये शुगर फ्री अलग है, ब्राउन शुगर अलग है, ये कौन सा है, ये सिंपल शुगर अलग है सल्फर फ्री। तो ये इतनी सारी देखो एक टी के साथ, और ये साथ में बिस्किट है, साथ में मठरी देके गए हैं। तो चलो अभिसार भाई पार्टी अच्छी रही है ना। तो इतनी सारी तो जो है तरह की चीनियाँ भाई शुगर है ना, तो शरीर भी जाके सोचता होगा है ना यार ये कौन सी चीनी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, हम तो सिंपल एक ही तरह की पिए आज तक। चलो आज थैंक्स टू सर 5-स्टार की चाय पिला रहे हैं आज। तो पत्नी के साथ भी सुकून टूर पे ढूंढा जा सकता है, भैया ने तो सुकून ढूंढ लिया। और इन्होंने रास्ता पता क्या निकाला, इन्होंने ड्यूटी लगाई नीमत भाई की, कि जो लेडीज डिपार्टमेंट है भाभी और हैं, तो इनको लेके मॉल रोड पे चले जाओ। तो भैया ने ऐसा दिमाग लगाया और भाभी और गए थे, और लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगा, केवल मॉल रोड मनाली का आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पे केवल इन्होंने 2.5-3 घंटे ही लगाए हैं। हाँ जी, तो मॉल रोड पे काफी ऑप्शंस थे, तो भाई जब भूखी शेरनियों को छोड़ा है तो फिर शेरनियां लग जाएंगी ना काम पे, हम लग गए काम पे। तो भैया को अच्छे से पता था कि जो है कैसे जो है टूर पे सुकून ढूंढना है, तो इन्होंने भेज दिया था आपको मॉल रोड पे। और कितनी कॉल करी भैया ने आपके पास वैसे? एक भी कॉल नहीं करी, बस अभी आधा घंटा पहले कॉल करी 9 बजे के आसपास कि भैया अब वापस आने का मूड है, तो भाई आ गए हम बस। तो क्या लगता है आपको, याद नहीं आई होगी भैया को? बहुत ज्यादा कर रहे थे मेरे को, बार बार बोले जा रहे थे मैं कॉल करूं, मैंने कहा रहने दो शॉपिंग करने दो। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं सरप्राइज जरूर हुई, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ ये मुझे टाइम लिमिटेशन देते हैं कि इतने टाइम पे इतने समय वापस आ, मैं भाभी से कह भी रही थी कि ऐसा कैसे है कि ये जो है मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, बट इट्स अ गुड थिंग ना, क्योंकि मुकेश भैया आप बैठे थे ना, तो जब हमने जीप देखी आपकी तो हमें फील हुआ कि ओके ओके मुकेश भाई बैठे, दैट्स व्हाई नो नो मी कॉल छीन ही रहा है ना बैठ के यहां पे। देखो ड्यूटी थी ना नीमत भाई की, आपके साथ थी मेरी भैया के साथ थी, तो किसी ना किसी को तो जो है यहाँ पे कंपनी वैसे भी आपको सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, बार बार बोले जा रहे थे, मैंने बोला भैया चलो रहने दो है ना शॉपिंग करने दो। तो अभी बोनफायर जो है काफी देर से वो लकड़ियां चिल्ला रही है आपके इंतजार में, पता है? हाँ जी, वहां पे 2 बार होटल वाले लकड़ियां लगा चुके आपके लिए। हाँ चलो बोनफायर पे चलते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे प्रोग्राम चालू हो चुका है बोनफायर का, और ये देखो साथ में जो है नदी के बहने की आवाज है, और यहाँ पे एक बीच में एक पहाड़ी बंदा आप लोग देख सकते हैं जिसने खूब जो है यहाँ पे भोकाल मचाया हुआ है, खूब गर्मी यहाँ पे कर रखी है। तो भैया का वेट हो रहा है, और यहाँ पे अभी बोनफायर चालू हो चुका है, वैसे ये 3री बार हो रहा है बोनफायर चालू आज का। ये देखो लकड़ियाँ जो है काफ़ी सारी जल चुकी है, तो 3rd टाइम जो है आग जली है, तो कुछ देर लेते हैं म्यूज़िक का मज़ा।
तो अभी हमारा डिनर चालू हो गया है और यहाँ पे कायरा है जो कि नीमत भाई को प्यार से क्या बुलाती है। तो ये है भाई छोटा डॉन, जिनको नाम तो वैसे बहुत पहले से पढ़ चुका था बट इतना प्यार से कायरा ही बोलती है केवल। तो कायरा अभी डिनर हो गया और सोने की तैयारी हम लोग करते, हम लोग जाते हैं, तो करो फिर गुड नाइट। गुड नाइट छोटा डॉन। थैंक यू जी। तो ये ऐसे कुछ कनेक्शंस होते हैं दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से चल के आके फिर ऐसे प्यार हो जाता है आपस में। तो गुड नाइट छोटा डॉन, छोटा छतरी, जो भी चाहे आप बुला सकते हैं इनको। आशीर्वाद लो जाओ। रुको यार तुम। तो अभी काफी लेट हो गया है, अभी यहाँ से करते हैं रिटर्न। आपकी जगह यहाँ नहीं कर सकते जी। जी थैंक यू सो मच भैया। अरे बस बस बस, इतना बुढ़ा ना बनाओ, अभी मैं जवान समझता हूँ, अभी मैं खुद को जवान समझता हूँ, है ना, समझता हूँ, हूँ तो नहीं। इधर देखिए, उधर प्यार हो गया, इधर देखिए। पाड़ियों शादी लगे, यहीं बैठना बेटा। बस जी जी बैठाए इधर जी जी, माँ साहब बैठेगी बेटा जान लीजिए, नहीं वो जी जी करके यहाँ बैठ भी जाएगा। चलो तो गुड नाइट एवरीवन, ब्यूटीफुल डे आपके साथ, फिर मिलेंगे। जरूर 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 जरूर, गुड नाइट बाय। तो ये देखो भाई, अभी जा रहे हम लोग भैया और को गुड नाइट बोल के, और ये बड़ा प्यारा सा ब्रिज है, तो गाड़ी चलती है बिल्कुल चिपक के, तो एक हाथ से फिर गाड़ी का स्टीयरिंग और एक हाथ में कैमरा, और ये देखो ये जो कलरफुल फ्लैग्स है बहुत प्यारे लग रहे भाई, बहुत ही प्यारे। तो रात के टाइम पे 11:00 भी हुए 35 मिनट और टेम्परेचर कितना 11 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे सस्पेंशन ब्रिज पे से जाना अलग ही रोमांच होता है, अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ नदी के ऊपर ना हल्की हल्की जो है ऊपर जैसे फोग बनता है ना, तो ऐसे ऐसे बादल बने होते हैं जो बहुत प्यारा जो है लुक दे रहे हैं इस ब्रिज को रात के टाइम पे, तो बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत, बहुत अलग। और ये देखो भाई, रात के टाइम भी जापानी कैसे चमक रही है। तो गांव के बीचों बीच में से हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे देखो पार्किंग की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है लोकल गांव में, तो ये देखो रोड के साथ में ये कुछ लगी है गाड़ियाँ, और ये देखो यहाँ पे ये मंदिर है और यहाँ से गाड़ी हमें लेके जानी है। तो खतरनाक खतरनाक कुछ मोड़ है और गाड़ी होगी बंद। तो कई बार क्या होता है कि कैमरे की तरफ ध्यान होता है सारा का सारा, इस वजह से गाड़ी बंद हो जाती है, अदरवाइज तो ये गाड़ी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, क्योंकि एक हाथ से उसी से आपको स्टीयरिंग संभालना है, उसी से आपको गियर चेंज करने हैं, और दूसरा हाथ तो फिर परमानेंट जो है कैमरे में ऑन रहता है। और कुछ मोड होते हैं बहुत टाइट, अभी तो रोड ये बहुत खुला है भाई, आप लोगों को लगेगा बड़ा तंग रोड है, तो ये तो हमें खुला लगता है यहाँ पे बिल्कुल ही। और ये देखो जंगलों के बीचों बीच से हम लोग जो है चले जा रहे हैं अभी, और बहुत प्यारा रोड, तो नज़ारे अलग है इस रोड के। और ये देखो टाइम 11:42, 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो नाइट का टेम्परेचर ये अभी ऐसा है, तो डे में तो लगभग ये मान लो कि 15 से 20 के आसपास टेम्परेचर रहता है आजकल, तो दिन में नॉर्मल वेदर रहता है, रात को हल्की हल्की ठंड हो जाती है। और ये देखो भाई नाइट में ड्राइव का मज़ा अलग ही है, यहाँ पे पेड़ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारा सा ये जंगल है बीच में, जहाँ से जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा आपको यहाँ से लगेगा। और ये जो रोड ऊपर को गया राइट साइड में, ये जाता है सजला वाटरफॉल की ओर, तो यहाँ से भी आप लोग सजला वाटरफॉल जा सकते हैं। और आगे खकनाल गांव के रोड तो हम कई बार दिखाते हैं आपको, तो अभी हम सजला गांव के पास पहुँचे हैं। तो अभी 22 अक्टूबर हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 10, तो अच्छी खासी धूप मनाली के अंदर हो चुकी है,
तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, ये देख सकते हैं, हवा भी ठीक ठाक चलती है और जो है बिल्कुल क्लियर वेदर है। लेकिन आजकल जो वेदर है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे जैसे एकदम से अगर मान लो मौसम गड़बड़ हुआ, हल्की सी भी बारिश आई, तो एकदम से सडन जो है इतना क्लाइमेट चेंज होगा कि आप लोग जो है लाइव स्नोफॉल रोहतांग पास, बारलाचा पास, शिनकुला पास के अंदर देख सकते हैं। आज की डेट में तो अभी कहीं पे भी स्नो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मौसम बिगड़ता है तो आजकल तुरंत बर्फबारी चालू हो जाती है। लास्ट ईयर के वीडियोस भी आप लोग हमारे चेक कर सकते हैं, उसके बाद फिर 18 अक्टूबर का वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं, 19 सितंबर का वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं, उसके बाद 3-4 अक्टूबर के आ वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो उनमें आपको लाइव स्नो बिल्कुल गारंटी के साथ, डेट टाइम सब चीज़ों के साथ वहाँ पर दिख जाती है। तो कई बार आप लोग पूछते रहते हैं कि यार कब स्नो होगा, तो भाई कोई फिक्स डेट नहीं होती, लेकिन वो सारा का सारा मौसम का खेल है। जैसे जैसे मौसम एकदम से पलटी मारता है, एकदम से जो है कहीं पे भी आपको स्नोफॉल दिख जाता है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं 100% स्नो देखना, तो आप लोग चले आइए फिर जनवरी और फरवरी के अंदर, उस टाइम पे आपको अच्छी खासी स्नो मिल जाती है। तो दोस्तों अभी लगभग 10 बज चुके हैं, 22 अक्टूबर आज की डेट हो चुकी है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया अभी ये रिजॉर्ट, तो ये आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? वीडियो मुझे लगता है पर्सनली कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, क्योंकि होटल्स वगैरह की वीडियोज़ हमने आज तक बनाए नहीं है, तो ये पहली शुरुआत करी थी। तो आप लोग बताना कैसी आपको लगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे और भी होटल्स बहुत सारे हम लोग कवर करें, तो उसके बारे में आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हम लोग आगे जो है कोशिश करते जाएंगे कि बजट से लेकर 3-4 हर होटल की कैटेगरी के वीडियोस आपको दिखाएं, जिससे जब आप आते हैं तो जगह तो हम आजकल दिखा ही रहे हैं, और शायद सबसे ज़्यादा मनाली की जगह के वीडियोस हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ होटल्स के भी आपके पास लिस्ट हो, जिनमें आप लोग अपने हिसाब से बुकिंग कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑनलाइन कंपनीज़ वगैरह पे वैसे फ़ोटोज़ होटल के डले होते हैं, बट उसमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि होटल कैसा है, फ़ोटोज़ कई बार इधर उधर से भी उठाई हुई होती है। तो जब हम लोग वीडियोस आपको होटल के दिखाएंगे, तो एग्जैक्ट बिल्कुल पूरी जानकारी देंगे और सही जानकारी देंगे। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आगे आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हो कि नहीं चाहते। बाकी मनाली का वेदर तो हमने दिखाई दिया, अभी बिल्कुल क्लियर वेदर है, स्नो आज की डेट में कहीं नहीं है, लेकिन हल्की सी बारिश हुई और आपको रोहतांग पास में, बारलाचा पास में अच्छा खासा स्नो मिल सकता है। बाकी 15,000 सब्सक्राइबर आपने बहुत जल्द करा दी, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का। ऐसे ही प्यार यूं ही बना रहे, और हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स, अच्छे अच्छे होटल्स और भी बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहेंगे।